हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संचना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अव्युद एकेडमी में। अव्युद एकेडमी करियर कंसल्टेंसी होने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो आइए आज हम बात करने वाली हूं हमारी गवर्नमेंट जॉब सीरीज के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब सीरीज में हम अलग अलग जॉब पोर्टल्स हैं आपके लिए जॉब लेकर आते हैं, जिसमें आपको न्यू गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है और साथ ही जो इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे होती हैं। तो आइए आज मैं बात करने वाली हूँ मेघालय जॉब की, जो कि निकाली गई है मेघालय पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2019 के तहत। और जो पोस्ट निकाली गई हैं वो है 1015, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो या और फॉलोअर वैकेंसी। और जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर है। तो मेघालय पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2019 के तहत यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई हैं वो 3 लेवल के तहत निकाली गई हैं, लेवल 1, लेवल 4 और लेवल 11। जो लेवल 1 पे जो पोस्ट निकाली गई हैं वो 74 पोस्ट हैं। और जो पे स्किल की बात करूँ तो 17,400 मिनिमम और मैक्सिमम 40,000 1100। और जो लेवल 4 पे निकाली गई है वो 897 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 2200 पोस्ट निकाली, 22,200 यहाँ पे स्किल है मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करूँ तो 52,400 है। और साथ में लेवल 4 पे जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसमें 44 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें आपका पे स्किल होगा 37,800 और 86,400 जो है मैक्सिमम होगा। तो आइए अब मैं आगे बात करती हूँ क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में जो है पोस्ट अलग अलग एजुकेशन लेवल पे निकाली गई है। तो UPSI या SF10 की जो पोस्ट निकाली गई है वो एनी स्ट्रीम से निकाली गई है, जिसमें एज लिमिट आपकी है 21 मिनिमम और मैक्सिमम 27 ईयर्स। और वहीं अनरिमेरिड ब्रांच कॉन्स्टेबल फायरमैन, तो इसमें 12th पास निकाली गई है। और जो आपका जो एज लिमिट रहेगी वो है 18 मैक्सिमम मिनिमम 21। और जो क्वालिफिकेशन वो 9 to 12th पास तक चाहिए। और जो नेक्स्ट लेवल पे है वो है फॉलोअर्स, यानी कि 10 ग्रुप में, जिसमें SF और AB और UP आता है। ये 5th क्लास के जो पास आउट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और जो मिनिमम एज लिमिट है 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। तो आइए अब मैं आगे बात करती हूँ एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे मेघालय पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन निकाला 2019 के तहत यहाँ पे, तो उसमें जो भी कैंडिडेट हैं उनकी जो फ़ीस होगी वो 50 होगी, मतलब 50 आपको सबमिट करनी होगी एंड पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू EGRS ओरी चलान के थ्रू आप यहाँ पे करेंगे। तो आइए अब मैं इंपॉर्टेंट डेट बताने जा रही हूँ। तो स्टार्टिंग डेट है सबमिशन की, वो स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर से। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 14 दिसंबर 2019, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो आइए अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके मेघालय पुलिस रिक्रूटमेंट में जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको अप्लाई करने में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं अलग अलग जॉब्स स्टेट लेवल पे या इंडिया लेवल पे आप तक गवर्नमेंट जॉब्स लाती रहूँ। और साथ ही मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन कैसे होगा मेघालय पुलिस कॉन्स्टेबल वैकेंसी का। तो यहाँ पे सिलेक्शन 2 तरीके से होगा, पहले रिटर्न टेस्ट होगा और फिर जो रिटर्न टेस्ट में जो पास कैंडिडेट होंगे उनका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, देन डिसाइड होगा कि कौन कौन यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।